तो दोस्तों आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पर जा रहे हैं। ब्यूटीफुल भी है, थोड़ी डेंजर भी हो सकती है। तो उस जंगल में हम आज रात को नाइट में कैंपिंग करेंगे। तो मैं पहली बार इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा रहा हूँ, जहाँ बहुत ही गहरा जंगल है और काफ़ी सारे जानवर भी पाए जाते हैं ऐसा सुना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और उससे पहले मैंने सोचा आपको कुछ मिला के ब्यूटीफुल व्यू दिखाऊँ। तो देखिए अभी हम कुफरी से आगे लगभग ठियोग से भी आगे पहुंचने वाले, और यहाँ जो शिमला से ठीक 30 किलोमीटर बाद लगभग ठियोग आता है, और उसके बाद 5-6 किलोमीटर ये पॉइंट आता है। यहाँ पर आपको सिड्डू मिल जाते हैं, जो कि हिमाचल की एक ट्रेडिशनली डिश है। खाने में ये मीठी भी होती है और नमकीन भी होती है। तो ये मैंने अभी मीठी वाली ऑर्डर की है। तो देखिए आप अंदर से कितनी लजीज है, बहुत स्वीट और बहुत अच्छी है। यहाँ पर अभी कुछ काम चला है, नहीं तो यहाँ पहले अच्छे से इन्होंने जो उनकी शॉप है बहुत अच्छे से मेंटेन थी, तो अभी शायद कुछ काम चला है। तो अभी आगे मैं पहुँच गया हूँ कोटखाई के पास, और अभी कोटखाई से बस आगे खड़ा पत्थर के लिए जा रहे हैं, और खड़ा पत्थर में ही हम थोड़ी देर कुछ खाना पीना करेंगे अपना। तब तक आप देखिए आसपास जो यहाँ, हम सिर्फ दो ही लोग वहाँ जा रहे हैं, और जो साथ में मेरे हैं उन्होंने किसी पर्सनल रीज़न से मुझे अपनी वीडियो ऑडियो शेयर करने के लिए मना किया, इसीलिए मैं उन्हें ब्लर कर रहा हूँ और आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। तो हम खड़ा पत्थर पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पर हम कुछ लंच कर लेंगे, और उसके बाद आप देखिए यहाँ विंडो से टॉप पे जो दिख रहा है ये कुप्पड़ का व्यू है। यहाँ मैं पहले भी गया हूँ, लेकिन आज जहाँ जा रहा हूँ वो दूसरा एरिया है। अभी बस खड़ा पत्थर से थोड़ा सा आगे से कच्चा रोड जाता है राइट साइड को, बस उसी रोड पर अभी हम हैं, और इसी रोड से आगे एंड में हम गिरी गंगा पहुँचते हैं, और वहीं से कुप्पड़ की ट्रैकिंग शुरू होती है। पर अभी हम 1-2 किलोमीटर पीछे से ही दूसरे ट्रैक की तरफ चले जाके जहाँ हम आज जा रहे हैं। बरसात में ये रोड बहुत गंदा हो जाता है, तो यहाँ पर ऊंची चस्सी वाली जो गाड़ी है वो ही कामयाब हो पाती है, छोटी गाड़ियों के लिए बहुत बहुत परेशानी होती है। तो अभी हम गाड़ी यहीं पार्क करेंगे, क्योंकि हमारा ट्रैक यहीं से शुरू होगा। अभी मैंने कुछ सामान बाहर निकाले अपना, जो कि साथ ले आया था, टेंट वगैरह और सोने के लिए मैट, योगा मैट, और अब चलते हैं, हमारा ट्रैक शुरू हो जाता है यहाँ से। तो ट्रैक पर चलते चलते हमें रास्ते में जो यहाँ कुछ गुज्जरों के घर आते हैं, और ये जो गुज्जर है वो जो सर्दी होती है तो ये नीचे प्लेन एरिया में चले जाते हैं, लगभग छोटे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ चले जाते हैं, और गर्मियों में यहाँ आ जाते हैं। इनकी काफ़ी पुरानी पुश्तें यहाँ बहुत कई वर्षों से, कई सालों से यहाँ पर रहते आए हैं, और ये हमसे थोड़ी बातचीत करने लग गए, और हमने भी इनसे डिस्कस की, और जो मेरे साथ थे वो वहीं के आसपास के लोकल जो है पर्सन हैं, और इनसे डिस्कस करके कुछ जान पहचान लगाई, और फिर उसके बाद हम आगे ट्रैक की ओर चल पड़े। और जैसे ही थोड़ा आपको बता दूं, मैं गाड़ी से उतरा, उसके बाद मैंने जस्ट 5 मिनट या 10 मिनट ट्रैक किया, उसके बाद मेरा मन बहुत बहुत हल्का हो गया और शांत हो गया, और बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा था, हालांकि मेरे कंधों पर बोझ भी था। तो गुजरों के कुछ बच्चे बहुत ही क्यूट क्यूट से, और अब आगे ट्रैक पे चल रहे हैं, चारों तरफ ग्रीनरी है, और इनके कुछ भैंसे और कुछ पशु भी यहाँ होते हैं, इनका ये दूध और खोया बेचते हैं। तो यहाँ बीच पे हमने थोड़ा रेस्ट किया, और चारों तरफ जो व्यू है आप देख रहे हैं, जो नेचर है अपने बिल्कुल असली स्वरूप में है, कोई पोल्यूशन नहीं है, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था यहाँ बैठकर। और इसके बाद एक भाई मिले, और ये खोया बेचते हैं यहाँ पर, जो भी लोग आते हैं आसपास के लोकल कुप्पड़ के आसपास, तो के गिरी गंगा के पास, तो ये
खोया बेचते हैं, दिन भर में इनका 4-5 किलो खोया बिक जाता है, ऐसा बता रहे थे ये। तो बिल्कुल प्योर है क्योंकि इनका अपना ही जो गाय भैंस का ये बनाते हैं उसी का, और उसी को यहीं बेच देते हैं। तो इनसे भी थोड़ी डिस्कस की, तो इन्होंने भी कुछ इस क्षेत्र के बारे में बताया, फिर आगे हम चल पड़े। चलते मुझे एक जगह दिखी सामने, देखिए आप बीच में एक नाला सा है और आसपास ग्रीनरी है। तो ये ट्रैक क्रीगंगा से होते हुए कुप्पड़ की ओर जाता है, पर आज हम दूसरे ट्रैक से है। तो आगे आपको दिखाता हूँ जो कुचरों के जो डेरे है किस प्रकार से इन्होंने, देखिए मेरे पीछे आप देख रहे होगे ऊपर ये इन्होंने लगाए है। मेरे अनुभव में ये जो लोग हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं और इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है और हेल्पफुल भी बहुत होते हैं। तो अगर चलते हैं तो ऐसे एरिया में अगर आप आते हो कभी भी कैंपिंग के लिए, तो खाने पीने की वस्तुओं तो अपने साथ ज़रूर लेकर आए, क्योंकि कोई पता नहीं ऊपर कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जो भी आपको मिले, फल फ्रूट या जो भी कुछ जैसे नट्स होते हैं और खाने पीने की जो भी वस्तु है, आप अपने साथ ले आ सकते हैं। तो ये जो ट्रैक है ये लगभग 3 से 4 घंटे का ट्रैक है, बाकी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और अभी आप देखिए, तो वैसे तो वार नहीं करती पर चांसेस रहता है जुड़ने में, तो कोई छेड़खानी इनके साथ ना करे तो ये अच्छा रहता है, चुपचाप शांति से अपने निकल जाए तो अच्छा है। जगह जगह पर यहाँ पर ऐसे सुंदर फूल पाए जाते हैं और आसपास का जो व्यू है आप देखिए, जो पैसे हैं यहाँ पर है, ये पूरा पूरा आनंद ले रही है क्योंकि चारों तरफ हरा भरा घास है। तो जंगल का व्यू भी देखिए मेरे चारों तरफ जहाँ पर हम ट्रैक कर रहे हैं अभी। देखिए मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो यहाँ पर लोग आते हैं कई बार और वो बॉटल्स को फाड़ देते हैं कांच की और वहीं छोड़ देते हैं, तो जो उनके पशु है वो इसे खा लेते हैं और उनके मुंह से बहुत ब्लीडिंग होती है और कई दिनों तक वो कांच के टुकड़े अंदर तक फंसे रहते हैं, जिससे उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है और उन्हें बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। तो अपने साथ आप कूड़ा कचरा साथ ले जाए और बॉटल्स को अपने साथ बिल्कुल ले जाए। दानों के जो तहसील है इनके बॉर्डर पर आती है, तो दानों में ही ये लगभग सम्मिलित है। कुछ चुप्पल का एरिया है, कुछ चुपाल का एरिया है और जो ये है उत्तराखंड के भी कुछ बाउंड्री के साथ मिल जाती है थोड़ी थोड़ी। और लगभग 500 मीटर से ये 3,500 मीटर ऊंची हाइट इसकी है। तो अभी हम बस पहुंचने वाले हैं ये आखिरी जो हमें जो ये कुचरों के जो हमें डेरे मिले हैं, तो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ही क्यूट है। और पहले तो हमसे डर रहे थे क्योंकि एकदम से यहाँ लोग आते नहीं हैं, तो एकदम से डर गए, फिर बाद में हमारे साथ खूब हंसी मजाक करने लग गए और हमारे पास आए। तो कुछ भैया ने इन्हें कुछ फ्रूट्स भी दिए खाने के लिए। और देखिए आखिरी जो ये घर है 3-4, और यहाँ चारों तरफ बड़ी ग्रीनरी है इसके बाद। तो बस यही जो सामने देख रहे हैं आप आगे, ये जो ग्रीनरी है इसके आगे ही हम टेंट लगाएंगे और इसी ग्रीनरी में हम दिन में थोड़ा अभी रेस्ट करेंगे। तो रास्ते में चलते चलते मुझे एक पेड़ भी दिखा जो बिल्कुल टेढ़ा था और टूटा हुआ जैसा, लेकिन फिर भी ग्रीन था और देखकर बहुत अच्छा। मैं एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि पशुओं की पीड़ा को समझते हुए यहाँ कांच की बॉटल्स को ना फेंके और कूड़ा कचरा भी हो सके तो जला दे और अपने साथ ले आए संभवतः। तो हम पहुंच गए हैं टरला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास। ट्रेडिशनली इस जगह को जिस नाम से लोग जानते हैं वो है भड़ैच के नाम से। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक रोड सा बना हुआ है, एक ना रास्ता सा बना है खुला सा, ये रास्ता जुब्बल के जो राजा थे वो अक्सर जब भी यहाँ से चल के आते थे तो उस दौरान बनाया गया था और वो अपने घोड़े पे सवार अपने काफिरों अपने सिपाहियों सभी के साथ यहाँ पर आते जाते रहते थे। लिए उनकी सराय थी जो पत्थरों से बिल्कुल बिखरी हुई, आपने देखी है भी, अब इसकी केयर नहीं हुई क्योंकि बहुत पुराना समय था जब ये बनी थी। और यहाँ देखिए रश करते थे और चारों तरफ कितना सुंदर व्यू है और पानी भी यहाँ पर अवेलेबल है। लकड़ी की एक पट्टी उससे पानी आ रहा है ऊपर से, तो ऐसे पानी बिल्कुल साफ है और
यार, ऊपर तो कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो पीने में तो बहुत बढ़िया पानी और ठंडा पानी है, जिससे होता ही है ज़मीन से निकला हुआ पानी बॉडी का। तो हमने डिसाइड किया कि हम बाहर खुले में टेंट को नहीं लगाएंगे, क्योंकि खुले में अगर टेंट को लगाते हैं तो हवा से या तूफ़ान से हमारा टेंट सेफ़ नहीं रहेगा। इसलिए हमने थोड़ा सा जंगल के बिल्कुल कॉर्नर में उसी जगह के साथ में हमने एक जगह डिसाइड की, देखिए यहाँ हम अपना टेंट लगाएंगे। और बारिश का भी हम ध्यान रखेंगे कि अगर बारिश आती है तो कहीं हम ऐसी जगह पर टेंट ना लगाएं जहाँ पानी इकट्ठा हो जाए। तो इस प्रकार से हम यहाँ टेंट लगाएंगे और अभी कुछ लकड़ियाँ भी इकट्ठी करेंगे और फिर एक चूल्हा बनाएंगे और फिर मटर पनीर आज हम बनाएंगे खाने। तो दोस्तों रात को अभी लगभग समय जो है अभी 8:30 हुए हैं और अभी हमने बस टेंट लगाना है और हमारा जो पनीर और मटर है वो लगभग पकने ही वाला है। लकड़ियाँ हम अभी भी इकट्ठी कर रहे हैं क्योंकि लकड़ियाँ पहले हमें गिली मिली। हमें एक गुज्जर मिले, उन्होंने हमें एक कुल्हाड़ी दी जिससे हमें बहुत सहारा मिला और काफ़ी लकड़ियाँ हम उसकी वजह से इकट्ठी करके ले आए। तो जब भी बिल्कुल आप कहीं पर भी कैंपिंग करें ऐसे अननोन जगह पर, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके पास लकड़ियाँ होनी चाहिए, क्योंकि रात भर आपकी आग जलनी चाहिए ताकि जानवर भी आपसे कोसों दूर रहे, क्योंकि आग का बहुत सहारा वैसे भी होता है ठंड, क्योंकि रात को बढ़ जाती है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। देखिए अभी ये हमारा सामान है जहाँ हम बैठे थे, अभी देखिए इसमें सारे मसाले और अलग अलग प्रकार से हमने यहाँ पे खाना जो बनाया, और हमारा मटर पनीर रेडी हो चुका है अभी, और मेरे साथ जो भैया है वो इसे सर्व कर रहे हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया इन्होंने बनाया है और अभी इसका आनंद लेंगे, उसके बाद हम टेंट लगाएंगे। तो खाना खाने के बाद जब लगभग हम 11 बजे लकड़ियाँ लेके आए और उसके बाद फिर 1 बजे हम जब सोने लगे आग जला के, तो हमें एक आवाज़ सी आई टेंट के बाहर। हम बाहर आए तो हमने टॉर्च ला के देखा तो ऊपर एक हमें आंखें सी दिखाई दी, तो वो कोई चीता सा लग रहा था देखने में। ध्यान देते देते थोड़े हम डर भी गए थे और फिर ध्यान से देखा तो फिर पता लगा कि वो एक भैंस थी। फिर हम थोड़ा दोबारा से सोने गए और बीच बीच में फिर आग जलाते रहे, तो हमारा कैंप सफल रहा और बहुत आनंद आया। हम तो सिर्फ 2 ही लोग कैंप में आए थे, तो मैं तो आप सभी को यही रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप कैंपिंग करने आए, क्योंकि आपको इससे काम भी कम करना पड़ेगा और आपका कैंप में इंजॉयमेंट अच्छा हो जाएगा। रात के समय कुछ अनुभव भी मुझे यहाँ पर हुए, जैसे रात को सोते हैं तो कितना साइलेंस यहाँ पर होता है कि एक पत्ता भी करता है तो उसकी भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो देखिए अभी सुबह हो गई है, मॉर्निंग का टाइम है, अब हम वापस घर की ओर जा रहे हैं और हमने सारा कूड़ा कचरा साथ ले आए, कुछ चला दिया हमने और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो रिगार्डिंग कैंपिंग के तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और एक बात, और किसी जानकार व्यक्ति के साथ जो यहाँ का लोकल हो या अच्छे जानकारी रखता हो उसके साथ ही आप यहाँ पर कैंपिंग करने हैं, ऐसे आप कैंपिंग करने ना आए क्योंकि आपको इससे कोई नुकसान भी हो सकता है।